दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है, ट्रिपल सी कोर्स का क्या क्राइटेरिया है और किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिपल सी कोर्स का जो पेपर होता है कितने नंबर का होता है, कब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ट्रिपल सी, जबकि इसका पूरा नाम जो होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है। तो जैसे अप्लाई की हम बात कर लेते हैं, तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, इसके अलावा यूजी, पीजी और ईटीसी, मतलब ये कि 8वीं से लेकर के 10वीं 12वीं और किसी भी बोर्ड से हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले सबसे मोस्ट चीज़, इस फॉर्म को इसका एग्ज़ाम कराता कौन है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, NIELT यह एक संस्था है, NIELT जो इसका एग्ज़ाम कराती है, और NIELT एक संस्था है जो इसका एग्ज़ाम कराती है। अब बात आपको समझ में आ रही है कि NIELT एग्ज़ाम कराती है, एक संस्था है, और 8वीं 10वीं 12वीं ये सब कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आती है कि इसका पेपर कब होता है या इसके फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ फॉर्म की बात कर लेते हैं, इसका फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म आप किसी भी महीने में, जैसे आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यह महीना हमारा अक्टूबर है, तो अक्टूबर जो हमारा महीना होता है वह 1 से लेकर के 30 तारीख तक, या जो भी है 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक किसी भी महीने में अप्लाई कर सकते हैं, और ये हर तीसरे महीने इसका पेपर होता है। जैसे ये अक्टूबर महीने में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा और नवंबर के बाद दिसंबर में इसका पेपर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई नवंबर में फॉर्म भरता है, तो नवंबर के बाद तीसरा महीना जोड़ लीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी में इसका पेपर हो जाएगा ट्रिपल सी का। अब बात ये आती है कि ट्रिपल सी का जो पेपर होता है वह कितने नंबरों का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ट्रिपल सी का जो पेपर है वह 100 नंबर का होता है। ध्यान रख लीजिए, ट्रिपल सी का पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का, और ट्रिपल सी में सारे के सारे क्वेश्चन MCQ होते हैं। MCQ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब यह कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि ट्रिपल सी का जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इस ट्रिपल सी के पेपर में कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होता है, मतलब यह कि माइनस मार्किंग नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। और इसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के आते हैं। ट्रिपल सी के फॉर्म भरने की जो फीस होती है वह कितनी होती है, तो ट्रिपल सी का फॉर्म की जो फीस होती है वह होती है एक्चुअल में 500 रुपये फीस होती है, लेकिन 590 रुपये कटता है, इस पर 18% GST होता है, इसलिए इसकी फीस कितनी हो जाती है, 590 रुपये। और ट्रिपल सी का फॉर्म भरने के लिए आप गूगल पर टाइप करेंगे, NIELT वेबसाइट है, उस पर जाकर के कोई भी व्यक्ति अपने से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है ट्रिपल सी में कितने नंबर आप पाएंगे, तो पास फेल होते हैं और कौन कौन सा ग्रेड मिलता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ट्रिपल सी में कम से कम आपको अगर पास होना है तो 50 होने के लिए, क्योंकि इसका पेपर 100 नंबर का होता है, और अगर 50%, मतलब यह कि 50 नंबर या 50 क्वेश्चन आपका सही रहता है, तब जा करके आपको पास माना जाएगा और आपको डी ग्रेड मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि ट्रिपल सी में और कौन कौन से ग्रेड होते हैं, और डी ग्रेड के बाद कौन कौन से ग्रेड तक होते हैं, कितना नंबर पाएंगे तो कौन सा ग्रेड हमें मिलेगा, चलिए इसका भी डिटेल जान। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि अगर आप 85% या 85 नंबर या उससे अधिक पाते हैं तो आपको सुपर ग्रेड मिलेगा, मतलब एस ग्रेड मिलेगा। इसके अलावा 75 से लेकर के अगर 84 नंबर तक आप पाते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। इसके अलावा 65 से लेकर के 74 नंबर तक अगर आपका रिजल्ट आता है, इतना नंबर गेन करते हैं, तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। 55 से लेकर के 64 तक तो आपको सी ग्रेड मिलेगा, और 50 से लेकर के 54 नंबर तक है तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। मैंने एफ ग्रेड भी लिखा है, मतलब ये कि 50 नंबर से कम अगर आते हैं तो फेल माना जाएगा, एफ ग्रेड आपको मिलेगा। अब बात यह आती है कि जैसे बहुत से साथी हमारे
ट्रिपल सी पास आउट कर चुके हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि मेरा नंबर कितना है ग्रेड के अनुसार, जैसे किसी का सी ग्रेड होगा, किसी का डी ग्रेड होगा, तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा कितना नंबर आप पाए होंगे, मतलब इतने इतने के बीच में पाए हैं तभी आपका ग्रेड आया हुआ है। ट्रिपल सी की ट्रिपल सी को पास करने से क्या फ़ायदा है, ट्रिपल सी किस नौकरी के लिए उपयोगी होता है, तो आपको ये बता दें कि ट्रिपल सी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी होती है जहाँ पे ट्रिपल सी मांगता है, जैसे कि अगर आप आईटी ग्रेजुएट नहीं है, कंप्यूटर ग्रेजुएट नहीं है, तो वहाँ पे ट्रिपल सी फॉर्म के लिए ट्रिपल सी मस्ट मांगता है। इसके अलावा जैसे यूपी लेखपाल हो गया, या जो भी स्टेट की नौकरी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है जहाँ पे ये मांगता है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी हो, तो वहाँ पर इसके लिए आपको, अगर आप ट्रिपल सी पास आउट है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो जो हमसे छूट रहा हो या आपके दिमाग में हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, इसका भी हम जवाब ज़रूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वह ट्रिपल सी का सिलेबस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल